नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। जहाँ एक तरफ जनता बढ़ती महंगाई से बेहाल है और चीजों के बढ़ते दामों ने लोगों की जेब ढीली कर दी है, वहीं साल के आखिरी महीने में जनता के लिए राहत भरी खबर आई है। बता दें कि खाद वस्तुओं की कीमतों में कितनी कमी हुई है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महंगाई के मोर्चे पर लोगों के लिए राहत की खबर है। बता दें, नवंबर महीने में खुदरा महंगाई दर 11 महीने के निचले स्तर 5.88% पर घटकर आ गया है, जबकि अक्टूबर 2022 में खुदरा महंगाई दर 6.77% रही थी और एक साल पहले नवंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर 4.91% रही थी। बता दें, अब खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में भारी कमी आई है, जिससे जनता को राहत मिलने वाली है। नवंबर महीने में खाद्य महंगाई दर घटकर 4.67% पर आ गई है, जबकि अक्टूबर में खाद्य महंगाई दर 7.1% थी। बता दें, नवंबर महीने में शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में खाद्य महंगाई में कमी आई है और खुदरा महंगाई दर में गिरावट की बड़ी वजह खाद्य वस्तुओं के महंगाई दर में गिरावट है। वही अक्टूबर 2022 में खाद्य महंगाई दर 7.1% थी, जो नवंबर में घटकर 4.67% रह गई है और अक्टूबर में शहरी इलाकों में खुदरा महंगाई दर 6.53% थी, जो नवंबर में 3.69% पर आ गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में 7.30% थी, जो घटकर नवंबर में 5.22% पर आ गई है। बता दें, साग सब्जियों की महंगाई दर 8.8% पर आ गई है, तो वहीं फलों की महंगाई दर 2.62% रही है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि खुदरा महंगाई दर RBI के टॉलरेंस बैंड के अपर लेवल 6% के नीचे आ गया है। RBI ने 2-6% महंगाई दर का टॉलरेंस बैंड तय किया हुआ है, लेकिन लगातार खुदरा महंगाई दर RBI के टॉलरेंस बैंड को पार कर ऊपर बना था। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 7.79% पर जा पहुंची, जिसके बाद 5 दफा मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक के बाद RBI ने महंगाई पर काबू पाने के लिए रेपो रेट में बढ़ोतरी की और रेपो रेट 4% से बढ़कर 6.25% हो गया। अगर महंगाई दर में गिरावट का सिलसिला जारी रहा है तो आने वाले वर्ष में ब्याज दर बढ़ाने पर ब्रेक लग सकता है और रेपो रेट के बढ़ने का सिलसिला थम सकता है, और अगर खुदरा महंगाई दर में गिरावट बढ़ी तो ब्याज दरें भी सस्ता हो सकती हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।